ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर देवतागण ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। जब देवताओं ने देखा कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर में अंधकार छा गया है, तो उनको ज्ञात नहीं हुआ कि क्या कारण है कि पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे अंधकारमय हो रहा है। तो तुरंत सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। तो ये जो प्रार्थना है, ये देवताओं की प्रार्थना ब्रह्मा जी के लिए है। वो यहाँ पर कह रहे हैं, यस्य वाचा प्रजा सर्वा, जो भी इस ब्रह्मांड के अंदर में, जो भी इस भौतिक संसार के अंदर में जो प्रजा है, वो सारी प्रजा जो है ब्रह्मा जी के दिए हुए वचनों के द्वारा, वाचा यानी कि जो वेद हैं, क्योंकि सबसे पहले वेद भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए थे। भागवतम में पहले ही श्लोक में बताया गया है, आदि कवये, मतलब ब्रह्मा जी जिन्हें आदि कवि कहा जाता है, जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है इस ब्रह्मांड के, तेने ब्रह्म हृदय। ब्रह्म मतलब होता है ज्ञान। तो वैदिक का जो ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। तो गाव तंत्येव यंत्रितः, ये जो वेदों का ज्ञान है, ये एक प्रकार से हमारे भौतिक संसार में एक नियम है जिनका हमें पालन करना चाहिए। जिस प्रकार उदाहरण दिया गया है, गावस तंत एव यंत्रितः, जिस प्रकार से गायें या जो बैल होता है, बुल जिसे कहते हैं, उसके नाक के अंदर से तंतया तंती जिसको बोलते हैं रोप, तो इस रस्सी के द्वारा हम जो है गाय को या बैल को कंट्रोल कर सकते हैं। अन्यथा मान लीजिए एक आप बैलगाड़ी में जा रहे हैं, अगर आप बैलगाड़ी में बैठे हैं और बैल को आप छोड़ दीजिए, जहां जाना है जाइए, तो बैल को वो विवेक नहीं है, वो ज्ञान नहीं है उसको कौन सी दिशा में जाना है। लेकिन जो व्यक्ति उस बैलगाड़ी को हांक रहा है, जो चला रहा है, वो व्यक्ति देख सकता है। तो वो क्या करता है, जो बैल के नाक के अंदर से जो रस्सी गई है उसको काबू में रखता है, उसको कंट्रोल करता है, यंत्रितः। उससे क्या होगा, बैल जो है सही दिशा में जाएगा। ठीक इसी प्रकार
हमारा जीवन, मनुष्य जीवन इस भौतिक संसार में वैदिक जो वेदों का जो ज्ञान है, वाचाह, ये जो ज्ञान है, जो श्रुति है, जिस प्रकार से बैल रस्सी के द्वारा कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन जो है वेदों के द्वारा, वेदों के वाक्यों के द्वारा कंट्रोल, नियंत्रित होना चाहिए। पर एक्चुअली होता है, होना चाहिए नहीं, होता है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं, हमें, हम सब लोगों को कानून का पालन करना चाहिए, करना चाहिए नहीं, करना पड़ता है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो दो प्रकार के कानून होते हैं, एक होते हैं सिविल लॉज, एक होते हैं क्रिमिनल लॉज। तो अगर हम लोग कानून का पालन नहीं करते हैं, कानूनों को तोड़ते हैं, लॉज को तोड़ते हैं, तो हम लोग सिविल लॉ से क्रिमिनल लॉ के अंडर में आ जाते हैं। इसी प्रकार से वेदों के नियम का अगर हम लोग पालन नहीं करते हैं तो हम लोग इसी प्रकार से क्रिमिनल लॉज के अंडर में आ जाते हैं, उसे पाप कर्म कहते हैं। और उन पाप कर्मों को, जैसे यहाँ पर हम लोग कहते हैं वो क्रिमिनल है, वेदों में बताया जाता है वो व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है। पाप कर्म करने पे क्या होता है, अगर हम लोग क्राइम करते हैं तो सजा भुगतनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में कुछ लॉज हैं, कुछ कानून हैं, ये कानून जो हैं वेद हैं, जो भगवान के वाक्य हैं, ये ब्रह्मा के वाक्य नहीं हैं। ब्रह्मा को भी ये ज्ञान भगवान ने दिया है, ब्रह्मा ने ये ज्ञान बाद में नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास को दिया, और वेद व्यास ने ये सारे के सारे वेदों जो है इनकी रचना की है। तो ये भगवान के द्वारा दिए गए आदेश हैं, इनका हमें पालन करना चाहिए। अगर पालन नहीं करते हैं तो हम अनेकों प्रकार के दुखों को भोगेंगे। तो ये यहां पर बताया गया है। आगे बताया है, हरन्ति बलिम आयतास तस्मै मुख्यायते नमः। अगर हम इन वेदों के वाक्यों का जो बताया गया है उसका पालन नहीं करते हैं, नो वन कैन वायलेट द रूल्स लेड डाउन इन द वेदिक लिटरेचर्स। क्योंकि अगर हम इसका पालन नहीं करते हैं, जो वेदों में जो आदेश भगवान के द्वारा दिए गए हैं, तो हम लोग इस भौतिक संसार में ही पड़े रहेंगे और अनेकों प्रकार की विपदाएं, अनेकों प्रकार के दुख हम लोग जो है भोगेंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो है बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं इन वेदों के बारे में। सबसे पहले हमें ये समझना है, वेद जो है इनको अपौरुषेय कहा जाता है। मतलब ये जो वेदों का ज्ञान है ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं दिया गया है, ये किसी ने अपने आप जो है, आप अपने कानून बना लीजिए, दूसरा अपने कानून बना लेगा, अपने लॉज बना लेगा, ऐसा नहीं है। लॉज जो है स्टेट के द्वारा दिए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। लॉज हम लोग अपने आप नहीं बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक रूल्स हम लोग बनाते हैं, ट्रैफिक रूल गवर्नमेंट बनाती है। तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जब ट्रैफिक चल रहा है आपको चाहिए तो आप लेफ्ट में जाइए, आपको चाहिए तो आप राइट में जाइए, उससे क्या होगा, केओस होगा। केवल हम लोग जो हैं देखेंगे कि सब जगह विडंबना मात्र है। लेकिन अगर हम लोग ट्रैफिक लॉस का पालन करते हैं तो हमारी जर्नी स्मूथ होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा गोल, हमारा लक्ष्य इस भौतिक संसार में क्या रहना चाहिए,
हम लोगों को इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार की तरफ जर्नी करनी है, हमारी यात्रा है। अभी हमारी यात्रा क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। एक जीवन से लेकर के दूसरे जीवन में, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में हम लोग यात्रा करने में लगे हैं, लेकिन कहीं पर भी इन चार चीजों से मुक्ति नहीं है। तो वेदों का लक्ष्य क्या है कि इन टेम्परेरी ब्रह्मांडों में यात्रा करने की जगह, इन टेम्परेरी शरीरों में आश्रय लेने की जगह, अगर हम लोग भगवत धाम का आश्रय लेते हैं तो ये चार चीजों से हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना, और उन दोनों के बीच में वृद्धावस्था और अनेकों प्रकार की बीमारियां, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो है एक बड़ा सुंदर उदाहरण बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मान लो आप जो है कहीं से गिर रहे हैं, यू आर फॉलिंग डाउन, और आपके हाथ में जो है एक पेड़ की झाड़ी जो है हाथ में आ जाती, शाखा, ब्रांच। लेकिन अगर मान लीजिए देखने में ये पेड़ जो है बड़ा तगड़ा है, कई बार आपने देखा होगा जैसे पपाया का होता है ना, देखने में लगता है कि बड़ा मोटा तगड़ा पेड़ है। केले का भी देखा होगा, केले का झाड़ जो होता है उसका जो तना होता है, उसका जो ट्रंक होती है, बहुत मोटी लगती है, लेकिन वो केवल देखने मात्र में जो है मोटी लगती है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि बंगाली में उसको जो है सागू का पेड़ बोलते हैं। देखने में लगता है कि उसका तना, उसका ट्रंक जो है बहुत ताकतवर है, बहुत मोटा है, लेकिन आप उसको थोड़ा भी हिलाएंगे वो पेड़ जो है टूट करके गिर जाता है। तो अगर आप ऊपर से गिर रहे हैं और आप ऐसे पेड़ की शाखा की जो है उसका आश्रय लेते हैं, उसको आप पकड़ लेते हैं, तो क्या आप गिरने से बच जाएंगे? आप फिर भी गिरेंगे, क्योंकि ये पेड़ जो है आपको बचा नहीं सकेगा। लेकिन दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, इस सागू के पेड़ की जगह में अगर इमली का पेड़ है, टैमरिन ट्री, कन्नड़ में क्या बोलते हैं उसको, हंसे मरा। तो मान लीजिए इमली का पेड़ है, उसकी एक फिंगर जितनी जो पतली है, हमारी फिंगर जो है बड़ी पतली होती है, ठीक है, इतनी पतली शाखा, उसके अंदर में भी इतनी ताकत है कि आप उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए बहुत मुश्किल है। ऐसे पेड़ की एक छोटी सी पतली सी टहनी, पतली सी शाखा में भी आप लटक करके अपनी जान बचा सकते हैं। और जो सागू का जो पेड़ है उसके मोटे तने को पकड़ करके भी आप जो है अपनी जान नहीं बचा सकते हैं। तो हमें किसका सहारा लेना है? हमें इमली के पेड़ के एक छोटी सी टहनी का भी अगर सहारा लेंगे तो वो बेहतर है, इट इज फार बेटर। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये जो वैदिक लिटरेचर्स हैं, ये जो हमारे वेद हैं, ये उस इमली के पेड़ के बराबर है, कि अगर हम लोग उनके वेदों के अंदर दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो हम लोग जो है इस भौतिक संसार के मरण, जन्म मरण के चक्र से हम लोग बाहर आ सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है। वेदों के अंदर में एक्चुअली क्या है, क्यों वेदों को जो है इनफैलिबल बोला जाता है? संस्कृत में इसको कहते हैं अच्युता। अच्युता का मतलब होता है जिनके वाक्यों के अंदर में कोई गलतियां नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है,
जैसे उदाहरण के तौर पर चैतन्य महाप्रभु दो बड़े सुंदर उदाहरण बताते हैं वेदों के बारे में, क्योंकि बाहरी रूप से लग सकता है कि वेदों के वाक्यों के अंदर में त्रुटियां हैं, फॉल्ट्स हैं, गलतियां हैं, लेकिन अगर हम लोग साइंटिफिक तरीके से जांच पड़ताल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली वेदों के अंदर में कोई त्रुटि नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर वेदों में बताया गया है मल जो होता है वो अशुद्ध है। इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सेप्टिक, करेक्ट। कॉरपोरेशन के हम लोगों ने देखे होंगे सेप्टिक टैंक, गंदी बदबू। अगर कोई व्यक्ति सेप्टिक टैंक के अंदर में गिर जाता है तो हम लोग सोच सकते हैं कितनी प्रकार की बीमारियों से वो पीड़ित हो सकता है, इसलिए उसको सेप्टिक बोलते हैं। अगर हम लोग मल को हाथ लगाते हैं, छूते हैं, तो हमें अवश्य स्नान करना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग जो हैं शरीर से शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन इन्हीं वेदों के अंदर में यह भी बताया गया है गाय का जो गोबर होता है, गाय का जो मल है वो शुद्ध है। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। एक जगह में बताया गया है मल जो है अशुद्ध है और उसको हाथ लगाने के बाद में शुद्धिकरण के लिए हमें स्नान करना चाहिए, वहीं पर वेदों में यह भी बताया है गाय का मल शुद्ध है। यहां तक कि जो भी अशुद्ध जगह है उसको शुद्ध करने के लिए गाय के गोबर का लेप लगाया जाता है। हमारी वैदिक सभ्यताओं में हम लोग देख सकते हैं, आज भी हम लोग अगर गांव की तरफ जाते हैं तो वहां पर ये लोग जो है डिटॉल वगैरह से घर को नहीं धोते हैं, वो जो है अपने पूरे आंगन में पानी के साथ गोबर, नीम के पत्ते, इनका लेपन करते हैं, ये एंटीसेप्टिक है। भारत के एक बड़े महान वैज्ञानिक डॉक्टर बोस, उन्होंने जो है वैज्ञानिक तरीके से ये प्रूव किया कि गाय के गोबर के अंदर में एंटीसेप्टिक क्वालिटी है, बाकी मल सेप्टिक, गाय का गोबर एंटीसेप्टिक। मतलब क्या है, वेदों में जो दिया है उसमें त्रुटि नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, केवल हम लोग अपने अज्ञान के द्वारा ऐसा सोचते हैं। दूसरा उदाहरण चैतन्य महाप्रभु देते हैं कि अगर हम लोग किसी भी जानवर की हड्डी को हाथ लगाते हैं, जैसे अगर हम लोग शमशान को जाते हैं, कोई व्यक्ति मर गया है और उसके मृत देह को हाथ लगाते हैं या उसकी हड्डियों को हाथ लगाते हैं, विसर्जन करते हैं ना, जब हड्डियों को बाद में जो है जला करके राख बनाते हैं, ऐश, और बाद में हम लोग उसका विसर्जन करते हैं, तो हमें जो है स्नान करना पड़ता है। लेकिन मंदिरों में हम लोग देखते हैं, यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में हम लोग देखते हैं, युद्ध आरंभ करने से पहले दिव्य शंख का नाद किया जाता है, मंदिरों में पूजा करने से पहले दिव्य शंख का नाद किया जाता है। तो ये भी बताया है शंख जो है वो प्योर है लेकिन बाकी हड्डियां इम्प्योर है। तो ये हमें जो है वैदिक, वेदों के अंदर में जो ज्ञान दिया है उसके अंदर में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए अच्युत है, इनफैलिबल, उसमें कोई गलतियां नहीं है। इसलिए हमें वैदिक लिटरेचर्स का, इसलिए हमें शास्त्रों के ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। जिस प्रकार से अगर हम लोग स्टेट में हैं, कंट्री में हैं, तो स्टेट लॉ हम लोग फॉलो करते हैं तो हमको क्या बोला जाता है, गुड सिटीजन्स।
अगर हम लोग स्टेट लॉज को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें बोला जाता है क्रिमिनल्स। ठीक इसी प्रकार से भगवद गीता में भी बहुत बढ़िया परिभाषा दी है, जो लोग भगवान के दिए गए कानूनों का, लॉज का पालन करते हैं, जो वेदों में दिए गए हैं, उनको बोला जाता है सुरा, देवतागण। और जो लोग वेदों में दिए गए आदेशों का, कानूनों का पालन नहीं करते हैं, उनको असुर कहा जाता है। असुरों को क्या होता है, ये विम्सिकल होते हैं, इंग्लिश में विम्सिकल बोलते हैं। विम्सिकल का मतलब होता है जो मन में आता है वो करते हैं, मनमानी। मतलब कोई रेफरेंस नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कोई रेफरेंस नहीं। अपने मन में आया, मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगा तो नहीं करूंगा। विम्सिकल संस्कृत में कहते हैं शास्त्र विधि और स्वविधि। स्वविधि मतलब अपने मनोरथ के द्वारा, मन के द्वारा जो मन में आया वो करना। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं जो व्यक्ति शास्त्र विधि का पालन नहीं करता है उसका परिणाम क्या होता है। 16वें अध्याय में जो है भगवान भगवद गीता में बताते हैं, भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधिम उत्सृज्या, जो व्यक्ति शास्त्रों में दी हुई विधि, शास्त्रों के दिए गए वाक्य आदेशों का पालन जो नहीं करता है, वर्तते काम कारतः, और अपने विम्स के द्वारा, स्वविधि के द्वारा कार्य करता है, नस सिद्धिम अवापनोति, उसको जीवन में कभी परफेक्शन हासिल नहीं होगी, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, न सुखम। जब वो इस भौतिक संसार में जीता है इस संसार में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, न पराम गतिम, और भौतिक संसार छोड़ने के बाद में परम गति की भी प्राप्ति नहीं होगी। कोई सिद्धि की प्राप्ति नहीं, भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, और संसार छोड़ने के बाद में परम गति की भी प्राप्ति नहीं। तो ये एक्चुअली जो है असुरों का जीवन है। ये वेद जो है एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के प्रभुपाद बताते हैं कि इन वेदों के आदेशों का पालन क्यों करना है। वाई विशु हम ही लोग अपने आप क्यों ना बैठ करके मिल करके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लें। वेद भी तो किसी ऋषि मुनियों ने दिए हैं, किन्हीं लोगों ने दिए हैं, वो भी एक प्रकार की गाइडेंस है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। वो पहले के लिए ठीक है, वैदिक टाइम के लिए ठीक है, आज संसार बदल गया है, आज टाइम चेंज हो गए हैं, वो पुरानी विधियों को हम लोग क्यों उसका पालन करें, आज के सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो आज हम लोग जो है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, हम लोग मिलकर के अपने कानून बना सकते हैं, यह प्रश्न उठ सकता है। तो एक्चुअली हमें यह समझना है, एक बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं, वेद जो है ये एक प्रकार से मैनुअल है। जब कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट के साथ में कंपनी जो है, क्योंकि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है, दे आर द बेस्ट पीपल हु कैन टेल अस हाउ टू यूटिलाइज दैट प्रोडक्ट। कंपनी जो है, जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है, जिन लोगों ने मिलकर के वो प्रोडक्ट बनाया है, वही सबसे बेहतर लोग हैं जो हमें गाइडेंस दे सकते हैं, एक मैनुअल दे सकते हैं, जिसका हम लोग जो है यूज करके, प्रयोग करके उस प्रोडक्ट से सही प्रकार का जो है फल प्राप्त कर सकते हैं। करेक्ट,
फोन के साथ में मैनुअल आता है, कंप्यूटर के साथ में मैनुअल आता है, प्रोजेक्टर के साथ में मैनुअल आता है। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान इस भौतिक संसार की रचना करते हैं, उसके साथ में भगवान हमें मैनुअल प्रदान करते हैं, एक गाइड बुक प्रदान करते हैं। वो गाइड बुक कितनी बढ़िया है देखिए, उस गाइड बुक में ये भी बताया है, क्योंकि भगवान जानते हैं हम लोग यहां पर क्यों आए हैं। हम लोग इस संसार में इंद्रिय भोग के लिए आए हैं। भगवान ने ये प्रोडक्ट, ये भौतिक संसार हमारे लिए ही बनाया है, लेकिन भगवान जो हैं दोनों चीजों का, भगवान जो हैं हमारे लिए दो चीज करते हैं। हम इंद्रिया भोग करना चाहते हैं, भगवान जो है इंद्रिया भोग के लिए भी अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन भगवान ये भी जानते हैं कि इंद्रिय भोग करना हमारे लिए विष खाने के बराबर है। क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग इंद्रिय भोग करेंगे, हमें केवल इस संसार में, ये जो टेम्परेरी मटेरियल वर्ल्ड है, इस भौतिक संसार के अंदर में ही घूमना पड़ेगा। हमें हमारा जो परमानेंट स्थान है, परमानेंट शरीर है, जहां पर कोई मृत्यु नहीं है, जहां पर कोई बीमारियां नहीं है, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो भगवान जो है हमारी दोनों जो है हमारी इच्छाओं को भी पूरा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में भगवान जो है ये प्रबंध भी करते हैं इस भौतिक संसार में, कि धीरे धीरे किस प्रकार से इन भौतिक इच्छाओं को छोड़ करके हम लोग जो है भगवत भक्ति में आ सके, जिसके द्वारा हम लोग इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तो ये दो अरेंजमेंट जो है भगवान ने किए। इसलिए भागवतम में अगर आप देखेंगे तो तीसरे श्लोक में बताया गया है, निगमः कल्पतरोर, निगम का मतलब होता है वेद, कल्पतरोर कल्प वृक्ष, इट इज लाइक ए डिजायर ट्री। क्यों इसको डिजायर ट्री बताया गया है? डिजायर ट्री से आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप भौतिक संसार में भोगना चाहते हैं वो भी आपको प्राप्ति होगी, स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं वो भी वेदों के अंदर में इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन साथ साथ में फाइनल इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि किस प्रकार से हम लोग आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं, हमारी इच्छाओं का शुद्धिकरण हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और बाद में मोक्ष, उसके बारे में भी बताया है। और साथ साथ में भगवान ने जो है वेदों का सार भागवत के रूप में, वेदांत के रूप में वेदों का सार, और उसके ऊपर स्वाभाविक नेचुरल कमेंट्री भागवत, जिसे जो है वैदिक पेड़ का गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, एक पका हुआ फल जो है बताया गया है। अभी जैसे आज का आपने अलंकार देखा रहेगा, भगवान का आज का अलंकार, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो पूरे ऑल्टर के अंदर में आपको जो है आम नजर आएंगे। तो जिस प्रकार से आम जब खट्टा होता है तो उसके अंदर में उतना स्वाद नहीं है, यही आम जब पेड़ के ऊपर पक जाता है, जब राइपेंड हो जाता है गलितम, तब जो है उसका टेस्ट बहुत सुंदर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भागवत जो है वो पूरे वेदों का सार है, इसलिए इसे कहा गया रसमालयम। इसके अंदर में जो रस है
उसका पान हम लोग अभी भी कर सकते हैं। आलयम का मतलब होता है, प्रभुपाद कहते हैं, अप टू लिबरेशन और इवन आफ्टर लिबरेशन। ऐसा नहीं है कि भागवत कथा हम लोग जो है इस भौतिक संसार से हम लोग जो है मुक्ति के लिए, ठीक है मुक्ति हो गई, अब उसके बाद में हम लोग जो है भगवान में जाकर के लीन हो गए, नहीं। इसका स्वाद, भागवत का स्वाद स्पेशली आफ्टर लिबरेशन, मुक्ति की प्राप्ति के बाद में जो है हम लोग कर सकते हैं। तो ये भागवत जो है सभी वेदों का सार है। इसलिए भगवान जो है भगवद गीता में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के दिए हुए आदेश, भगवान के दिए हुए वाक्यों, भगवान के बोले हुए ये जो शब्द हैं, वेद हैं, इनका पालन नहीं करते हैं वो असुर कहलाते हैं। तो आज के श्लोक में यही बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ज्ञान बताया गया है कि जिस प्रकार से एक बैल होता है और अगर वो बैल जो है उसके नाक के अंदर से रस्सी निकाल करके हम लोग उस बैल को कंट्रोल करके सही दिशा में ले जा सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से सभी जीव जो हैं वेदों के आदेशों का, उनके वाक्यों का पालन करके हम लोग अपने जीवन को जो है सफल बना सकते हैं। और यहाँ पर एक और बहुत सुंदर पॉइंट जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर आप एक सॉल्ट, नमक जिसको बोलते हैं, आप नमक के खान के अंदर में माइन में गिर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सब जगह नमक ही नमक है, तो आप क्या करेंगे? यू cannot taste anything। आप कितनी देर तक नमक खाएंगे, कितना नमक खाएंगे? करेक्ट। नमक जो है हमारे भोजन में, अगर जब हम लोग भोजन बनाते हैं, नमक उसके अंदर में टेस्ट लाता है। अगर थोड़ा भी ज्यादा नमक है, अपनी मात्रा में कम नहीं है, प्रॉपर नमक नहीं डाला है, बराबर नहीं डाला है, अगर आपने नमक ज़्यादा डाल दिया है, तो क्या होता है, तुरंत हमारा टेस्ट पूरे खाने का बिगड़ जाता है, वो पूरा खाना फेंकना पड़ता है, कोई स्वाद नहीं आएगा आप। यू विल नॉट बी एबल टू ईट इट, यू विल नॉट बी एबल टू रिलिश इट, हम उसका स्वाद नहीं चख पाएंगे। वहीं अगर नमक कम हो जाता है, मान लीजिए आप दाल बनाए हैं, चावल बनाया है, उसमें नमक ही नहीं है, तो भी आप बोलेंगे ये क्या बीमार लोगों का खाना है क्या, आप दूर कर देंगे, मजा नहीं आएगा। तो मात्रा जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हम लोग रेसिपी बनाते हैं तो उसमें बोलते हैं 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट और अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। ज्यादा अगर हम लोग डाल देते हैं टेस्ट से तो भी खराब हो जाता है, कम डालेंगे तो भी खराब हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमको समझना है, भौतिक संसार में भगवान ने शरीर दिया है, शरीर को जिस प्रकार से खाने को नमक की जरूरत है, शरीर की भी कुछ जरूरतें हैं। वो जरूरतें जितनी चाहिए, जो वेदों में बताई गई है सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, उतनी मात्र हमें जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। उससे अगर हम लोग कम करेंगे तब हम लोग बीमार पड़ेंगे। ये शरीर अगर एक वाहन है जिसका हमें उपयोग करना है, उसको मेंटेन करना है, लेकिन ओवर मेंटेनेंस का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप कार है आपके पास में बहुत बढ़िया मर्सिडीज बेंज कार है, आप उसको ओवर मेंटेनेंस करते हैं, रोज क्लीनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या फायदा है? अगर आप उसको चलाएंगे नहीं, ऑफिस तक नहीं लेकर के जाएंगे, आप अलग अलग जगह पर नहीं जाएंगे, आपने गैरेज के अंदर में खड़ी कर दिए, शोरूम में लगा दिए, कोई फायदा नहीं है।
ठीक इसी प्रकार ये शरीर एक वाहन है वेदों के अंदर में, इसलिए ही उसको डिजायर ट्री कहा गया है, निगमः कल्पतरोर। तो मटेरियल के लिए, भौतिक मेंटेनेंस के लिए शरीर को हमें कैसे प्रिजर्व करना है, वो डायरेक्शन भी वेदों में बताई गई है, और उसको मेंटेन करके उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष और फाइनली भगवान की भक्ति प्राप्ति करने के लिए, ये डायरेक्शन भी वेदों के अंदर में बताई गई। तो उसका अगर हम लोग पालन करेंगे और हमारे जीवन में सही प्रकार से रेगुलेट करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो डेफिनेटली इस संसार में भी हम लोग खुश रहेंगे। इसलिए वेदों में बताया गया है, इसलिए वेदों में कहा गया है सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। वेदों में नहीं कहा गया है कि हम लोग जब संसार में रहते हैं तो पीड़ा दुखों के साथ में जीना है, नहीं। वेदों की इंस्ट्रक्शंस, उनके आदेशों का पालन करेंगे तो संसार में रह करके भी हम लोग खुश रहेंगे और हमारे फ्यूचर का प्लानिंग भी हम लोग कर रहे हैं, दोनों हो जाता है उसमें। इंद्रिय तृप्ति में क्या है, वो केवल नमक के बराबर है। जितना ज्यादा हम लोग इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना ज्यादा हम लोग नमक खा रहे हैं भोजन के अंदर में, तो क्या है, स्वाद नहीं आएगा। इसलिए लोगों को इंद्रिय तृप्ति में कोई स्वाद नहीं है। वेदों में क्या बताया है, नहीं, भोजन खाने के लिए प्रॉपर क्वांटिटी डालो, बस, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, तब आपके भोजन को स्वाद आएगा। और उसके बाद में क्या बताया है, केवल भोजन में नमक मात्र मत डालो, बाद में आप उसको भगवान को अर्पण करो तब उसमें अमृत भी आएगा, स्वाद भी आएगा, केवल शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए भी काम करेगा, वो इंस्ट्रक्शन भी वेदों में दी है। तो वेदों में केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति मात्र के लिए नहीं दिया है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, और बाद में भगवान की भक्ति के बारे में। धीरे धीरे हमें जो है बढ़ना है, तो ये वेद जो है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इंस्ट्रक्शंस यहां पर इसलिए बताई गई हैं कि देवता लोग जो है ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि वी आर प्रेइंग, हम लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं उन भगवान से जिन्होंने जो है ये सर्वोपरि, ये वेद जो है इस मानव जीवन को, इस ब्रह्मांड में भगवान ने जो है ये वेद प्रकट किए हैं, जिसका पालन करके, जिस प्रकार से बैल उसके नाक के अंदर में उसको नियंत्रित करके हम लोग जो है सही दिशा दिखा सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से वेदों का पालन करके हम लोग भी जो है परम गति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करें, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, जगद गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।